गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक हिंदी लिटरेचर की बुक हिंदी मंथन की बुक से पहली कविता आपकी वो आज रीड करेंगे। इफ़ यू हैव अ बुक देन ओपन योर बुक, इफ़ यू डोंट हैव बुक देन सी दिस वीडियो। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम। ओपन योर पेज नंबर 7, अपनी बुक में पेज नंबर 7 आप ओपन करिए। आपकी पहली कविता का नाम है सुंदर जग। सुंदर जग मीन्स ये जो ब्यूटीफुल पृथ्वी है, ये जो संसार है जिसमें हम रहते हैं, ये है सुंदर जग। और इस सुंदर जग में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, चिड़िया, पशु पक्षी, एनिमल्स, ये सब क्या हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। फ्लावर्स, पृथ्वी में भगवान ने जो है, ईश्वर ने जो है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। चलिए हम इस कविता को रीड करते हैं। पहले देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने किस चीज़ की व्याख्या की है, किस चीज़ का वर्णन किया है? सुबह सुबह जो हमारी नेचर होता है, पृथ्वी जो होती है, उसकी सुंदरता का इन्होंने वर्णन किया है। सूर्य उदय होते ही वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है। जब हम रात को सोने के बाद जब उठते हैं सुबह, तो एक नई फीलिंग, एक नई ऊर्जा हमारे बॉडी में होती है। हमें सुबह उठ के एक नई एनर्जी आ जाती है काम करने की। हम जितने भी थके हारे रात में सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ उठते हैं, और सभी आलस त्याग कर अपने अपने काम में लग जाते हैं, और फिर नया दिन शुरू हो जाता है। हम फिर अपने डेली रूटीन के वर्क में लग जाते हैं। चलिए इस कविता को रीड करते हैं। श्री प्रसाद जी की ये कविता है। अगर नहीं ये सूरज होता तो होता अंधियारा, अगर नहीं ये सूरज होता तो होता अंधियारा, अगर न आता चांद न लगता आसमान यह प्यारा, अगर नहीं ये सूरज होता तो होता अंधियारा, अगर न आता चांद न लगता आसमान ये प्यारा, नदी ताल और झरना भी नहीं एक भी होता, नदी ताल और झरना भी नहीं एक भी होता, निर्मल पानी का पर्वत से कहीं न बहता सोता, निर्मल पानी का पत्थर से कहीं न बहता सोता। टर्न योर पेज, ऑल ऑफ यू अपने पेज को टर्न करिए। और अगर ये रंग बिरंगे फूल न खिलते होते, और अगर ये रंग बिरंगे फूल न खिलते होते, तो क्या होता हम फूलों की यह सुंदरता खोते, तो क्या होता हम यह फूलों की यह सुंदरता खोते, अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं न गाते, अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं न गाते, तो हम कैसे सुंदर जग में अपना मन बहलाते, तो हम कैसे सुंदर जग में अपना मन बहलाते। श्री प्रसाद जी की ये कविता है। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, कभी आप मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे तो आपने देखा होगा, पार्क में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, वो खिले होते हैं, जैसे कि आपके इस पिक्चर में बना है। चिड़ियाएँ होती हैं, उनकी चहचहाहट सुनाई देती है, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा चलती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सूर्य के उगने के बाद, सूरज के आ जाने के बाद जब अंधेरा दूर हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर नहीं होता, अगर नहीं ये सूरज होता तो होता अंधियारा। अगर सूरज ही नहीं होता, इमेजिन करिए, अगर सूरज नहीं होता तो कभी उजाला नहीं होता, दिन नहीं होता, हम अपने काम नहीं कर पाते, है ना। अगर न चांद आता न लगता आसमान ये प्यारा, अगर रात में चांद नहीं आता, कभी आपने रात में चांद को देखा है, जब आसमान में अंधेरा होता है और बहुत सारे तारे और चांद होता है, तो वो भी कितना सुंदर दृश्य होता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में हमें। नदी ताल और झरना भी
नहीं एक भी होता, और अगर ये नदियाँ नहीं होती, ताल मतलब तालाब, अगर तालाब नहीं होते, ये झरने जो पर्वतों के ऊपर से नीचे पानी जो गिरता है वो झरना होता है, अगर नहीं ये झरने होते, निर्मल पानी का पत्थर से कहीं न बहता सोता, तो हमें ये निर्मल शुद्ध साफ पानी कहाँ से मिलता, है ना। ये सब चीज़ें हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं जो प्रकृति में है, नेचर में है, और ये कितनी खूबसूरत हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं ये सब चीज़ें। और अगर ये रंग बिरंगे फूल न खिलते होते तो क्या होता, हम फूलों की यह सुंदरता खोते। अगर ये रंग बिरंगे फूल नहीं होते, ये इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूल आपने देखा होगा, कितने डिफरेंट तरीके के फूल होते हैं, रोज़ भी अलग अलग कलर्स में आता है, रेड, पिंक, वाइट, येलो, सनफ्लावर है और गेंदा फूल है, ट्यूलिप है, कितने तरीके के फूल होते हैं जो देखने में उनके पेटल्स भी अलग अलग होते हैं, उनका शेप अलग होता है, उनका साइज़ अलग होता है, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, है ना। अगर ये सब नहीं होता तो हम ये सारी सुंदरता नहीं देख पाते, हम इन सब चीज़ों की सुंदरता खो देते। अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं न गाते, अगर हमारी पृथ्वी में इतने सारे एनिमल्स नहीं होते, इतने सारे जानवर नहीं होते, हमें फिर तो कुछ पता ही नहीं होता किसी एनिमल्स के बारे में कि एलिफेंट क्या होता है, राइनो क्या होता है, है ना। तो ये अगर पशु पक्षी नहीं होते, और बर्ड्स कितनी सुंदर लगती हैं, नेस्ट बनाती हैं, इतनी मेहनत कर कर के लाती हैं तिनका, और एक सुंदर सा नेस्ट बनाती हैं, और जो बर्ड्स होती हैं वो भी कितनी ब्यूटीफुल होती हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज़ की, और इतनी मेहनत करती हैं, वो भी सुबह उठ के अपने कामों पे लग जाती हैं वो भी, और जानवर, इतने सारे जो जानवर हैं वो भी मेहनत करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर प्रकृति में नहीं होती तो हमें ये सब चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलती, तो हम कैसे सुंदर जग में अपना मन बहलाते। तो ये पृथ्वी सुंदर हो पाती अगर पेड़ पौधे नहीं होते, ये सुंदर सुंदर फूल नहीं होते, ये एनिमल नहीं होते, ये पक्षी नहीं होते, तो ये पृथ्वी कितनी सूनी हो जाती, कभी इमेजिन किया है। तो हमें इन सब चीज़ों की केयर भी करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और अपने घर में कम से कम, अपने अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप गमले लेके फ्लावर्स लगा सकते हो, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हो, अगर आपके घर के आगे थोड़ा लैंड एरिया है तो आप वहाँ पे पेड़ भी लगा सकते हो, एक पेड़ तो एटलीस्ट सबको लगाना चाहिए। पेड़ से क्या होता है, पेड़ से ठंडी ठंडी हवा मिलती है और हमें ऑक्सीजन मिलता है, और गर्मी के टाइम पे उसी पेड़ के नीचे बैठो तो ठंडी ठंडी छांव भी मिलती है, और हमें जानवर जो हमारे गली मोहल्ले में जो एनिमल होते हैं, डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको भी हमें तंग नहीं करना चाहिए, उनको भी कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक है, उनके प्रति भी हमें काइंडनेस, दया दिखानी चाहिए। काव होती हैं उनको नहीं मारना चाहिए। तो ये सब जो पृथ्वी में, जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें, ईश्वर ने दी है, वो बहुत ही सुंदर है, हमें उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये कविता आपकी श्री प्रसाद जी की है, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द भी हैं, जैसे कि आप शुरू से देखेंगे इस चैप्टर में, अंधियारा, अंधियारा मतलब होता है अंधेरा, सूरज के आने पे क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है, ये एक कठिन शब्द है, सूरज है, अंधियारा है, चांद, आसमान, प्यारा, जो शब्द आपको कठिन लगते हैं वो आपको अपनी कॉपी में करना है। जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सुंदर जग को, तो सबसे पहले आप इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, ये पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद कठिन शब्द लिखकर, कठिन शब्द लिखने हैं इस चैप्टर के जो आपको कठिन लगते हैं, ठीक है, निर्मल है, पत्थर है, झरना है, ये कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में 10 से 12 शब्द जो हैं वो कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और अगर ये रंग बिरंगे जो हैं वो आपका कठिन शब्द है, वो आप लिख सकते हैं, सुंदरता कठिन शब्द है, सुंदर, बहलाते, जग, ये जो कठिन शब्द हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद आपको शब्द अर्थ करने हैं, इसमें जो रेड कलर से जो कुछ शब्द दिए गए हैं वो कठिन हैं,
ठीक है, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। कठिन शब्द के बाद इनके शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करने हैं। ये आपके 5 कठिन शब्द हैं, जो शब्द अर्थ हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अंधियारा, अंधियारा का अर्थ होता है अंधेरा। सोता मीन्स झरना। ताल मीन्स, ताल का मतलब है तालाब। जग, जग का मतलब होता है संसार। निर्मल मतलब साफ शुद्ध पानी, जो हमें झरनों तालाबों से मिलता है, नदियों से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपके ये अभ्यास है, एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपनी कॉपी में करनी है, जो मौखिक है। ठीक है, अंधियारा कब दूर होता है, अंधियारा, अंधेरा कब दूर होता है, कब दूर होता है, सूरज के आ जाने पर अंधियारा दूर हो जाता है ना। ख, चांद तारों में, चांद तारों से कौन प्यारा लगता है, चांद तारों से आपको कौन प्यारा लगता है। चांद तारे कहाँ पर आते हैं, आसमान में, तो हमें क्या प्यारा लगेगा चांद तारों के आने पे, आसमान प्यारा लगेगा। ठीक है, तो ये मौखिक प्रश्न है जो आपको अपनी कॉपी में नहीं करने हैं। आप अपनी कॉपी में जो लिखित आपको वर्कशीट दी जाएगी, जो आप अपनी कॉपी में करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर हैं, यहाँ से करना शुरू करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, क, पानी का झरना कहाँ से निकलता है, पानी का झरना कहाँ से निकलता है, निर्मल पानी का झरना कहाँ से निकलता है, पत्थरों से होते हुए नीचे आता है। ठीक है, तो ये आप करेंगे। रंग बिरंगे फूल न खिलते तो हम क्या खो देते, अगर ये रंग बिरंगे फूल नहीं होते तो हम क्या खोते, इसकी सुंदरता को खो देते। इतनी सुंदर सुंदर फूल जो हम होते हैं, जितनी इतने सुंदर होते हैं कि हम इनको तोड़ लेते हैं कई बार कहीं से, है ना, गमलों से, तो ये हमें देखने को नहीं मिलते। और प्रश्न 2 है, कविता की पंक्तियों को पूरा करिए। ये कविता आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, और इस कविता को यहाँ पे कंप्लीट करना है आप लोगों ने। अगर नहीं होते क्या होगा, पशु पक्षी। ठीक है, अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं ना गाते, तो हम कैसे सुंदर जग में अपना मन बहलाते। तो ये आप कविता जब लर्न करोगे तो इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है जीवन मूलक मूल्य परक प्रश्न। आप किसी बगीचे में सुंदर फूलों को देखते हैं और उन्हें तोड़ना चाहते हैं, क्या इससे बगीचे की सुंदरता बनी रहेगी। बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। जब आप किसी भी पार्क में जाते हो जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं, अब वो इतने सुंदर होते ही हैं कि उनको तोड़ने का मन करता है, लेकिन अगर हमने उनको तोड़ा तो क्या होगा, उसकी सुंदरता बनी रहेगी बगीचे की, बताइए। आप खुद सोचिए, फूल तोड़ने के बाद क्या होगा, हम तो कहीं भी रख देंगे उसे, वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर वो पेड़ पे लगा रहेगा तो कुछ दिन वो खिला हुआ रहेगा। तो हमें क्या है, पेड़ पौधे से फूल नहीं तोड़ने चाहिए। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 10, लुक एट द पेज नंबर 10। अब है व्याकरण से, कुछ इसमें प्रश्न हैं जो आपके व्याकरण से रिलेटेड हैं। श्रुतलेख के लिए शब्द देखिए, आपको कठिन शब्द हैं जो उससे रिलेटेड कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। सूरज, चांद, झरना, पत्थर, पक्षी, अंधियारा, प्यारा, निर्मल, क्या, सुंदर, ये जो शब्द हैं ये कठिन शब्द हैं, इनको लिखकर प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, एक चीज़ के लिए एक और दो या अधिक के लिए अनेक होता है, इसी प्रकार एक के अनेक रूप लिखने हैं। ठीक है, एक का अनेक रूप लिखना है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके लिए है क का, तारा, तारा मतलब एक तारा। ठीक है, और अगर हम तारे बोलें तो बहुत सारे तारे होंगे, उसमें एक नहीं होगा, अनेक तारे होंगे। ठीक है, तो तारा का अनेक क्या होगा, तारे। झरना का अनेक क्या होगा, झरने, झरना मतलब एक झरना, झरने मतलब बहुत सारे झरने। प्यारा, ग देखिए, प्यारा मतलब हम किसी को बोलते हैं कि ये बहुत प्यारा है, किसी एक बच्चे को, अगर हम बोलें हमारे सारे बच्चे प्यारे हैं तो मतलब अनेक प्यारे, बहुत सारे बच्चे प्यारे हैं। बच्चा मीन्स एक बच्चा, अब बच्चे मीन्स सारे बच्चे, आप सभी बच्चे। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, हर वस्तु का अपना नाम होता है,
चित्र देखकर उसका नाम लिखना है, ठीक है। अब आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा क ये कौन सा फ्लावर है, कौन सा फूल आपको दिख रहा है, सूरजमुखी। यहाँ पे आप लिखेंगे सूरजमुखी, सभी को पता है, मुझे पता है, सारे बच्चों को पता है कौन सा फूल है। उसके बाद ख में देखिए ये क्या है, ये है सूरज, सूर्य या सूरज। अब ये इतना ब्यूटीफुल कौन है, ये चांद, चांद का पिक्चर है। ग में देखो चंद्रमा या चांद आपको लिखना है यहाँ पे। ये कौन सा पक्षी आपको दिख रहा है ना, हर पक्षी का रंग और शेप अलग होता है तो हम बहुत इजीली उनको पहचान लेते हैं कि ये कौन सा पक्षी है। तो ये कौन सा पक्षी है, तोता है ना। और ये क्या है, हाथी। और यहाँ पे क्या है, च में पेड़, वृक्ष, पेड़। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। सूरज को हम क्या कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। पुष्प को, पुष्प मीन्स फूल, ठीक है, तो यहाँ पे फूल करेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा का मिलता जुलता शब्द क्या है, चांद। जल, जल मीन्स पानी, ठीक है। और आकाश, आकाश को क्या कहते हैं, आसमान, ठीक है। ये मिलते जुलते शब्द हैं जिनको हम दूसरे नामों से भी बुलाते हैं। ताल, ताल का क्या होता है, तालाब, ताल को तालाब भी कहते हैं। प्रश्न 5 में देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, जो आंसर सही है उसमें सही का टिक मार्क करेंगे, ठीक है। आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में जो सही होगा उसमें सही का चिन्ह लगाना है हमने। संसार के मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है, संसार से मिलता जुलता शब्द कौन सा लग रहा है आपको, ज़रा देखिए। पहला है हमारा जग, दूसरा संसार, तीसरा सूरज। तो संसार से मिलता जुलता कौन सा लग रहा है आपको, जग। तो हम जग को टिक मार्क करेंगे। इसमें से नाम वाला शब्द है मीठा, छोटा, नदी। तो इसमें क्या होगा, नाम वाला शब्द देखिए, नाम मीन संज्ञा, संज्ञा आप लोगों को पता है क्या होता है, नहीं होता है तो जब हम हिंदी व्याकरण की क्लास चलाएंगे जब, तो उस टाइम पे आपका चैप्टर जब संज्ञा आएगा तो हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ख का देखिए ऑप्शन क्या है, मीठा, छोटा, नदी। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, नदी, हमें नदी को टिक मार्क करना है। ग, शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप है। अब यहाँ देखिए फूल तीन तरीके से लिखा है, तो हमें सही फूल पर टिक मार्क करना है। फूल, फुल, फुल। अब देखिए कौन सा फूल सही है, फूल वाला फूल सही है, छोटे वो वाला नहीं सही है, बिंदु वाला भी नहीं सही है, ठीक है। तो हमें पहले पर टिक मार्क करना है। अब देखिए गतिविधियाँ, कविता को स्वर में गाइए और इसे याद करके मित्र को सुनाइए। मित्र को तो आप सुना नहीं सकते हैं अभी, तो अभी क्या करना है आपको, कविता ये बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, लिख के लर्न कीजिए ताकि जो मात्राएं हैं उसमें भी मिस्टेक ना हो। और अपने पेरेंट्स को सुनाइए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को आप सुनाइए। हमें पानी नदियाँ झरना कुओं और तालाब आदि से मिलता है, इनमें चित्र अपनी कॉपी में बनाइए या चिपकाइए और इनके नाम भी लिखिए। ये आपको पता है नदी, झरनों, कुओं, तालाबों, इन जगहों से हमें पानी मिलता है शुद्ध पीने का। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी रफ कॉपी में करिए, ये फेयर कॉपी में आपको नहीं करना है। और जो आपकी बुक में ये पिक्चर बना है इतना ब्यूटीफुल सा, दिए गए चित्र में रंग भरिए। देखिए स्क्वायरल है, गिलहरी देख रहे हैं आप, बर्ड देख रहे हैं, सन है, फ्लावर है, ट्री है, प्लांट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको ब्यूटीफुल कलर करना है इस पिक्चर में। और जब आप कविता शुरू करेंगे अपनी, तो कविता को बहुत अच्छे से लर्न करने के बाद अपनी कॉपी में लिखना है, शब्दार्थ करने हैं, कठिन शब्द करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं। और वर्कशीट जो इससे रिलेटेड है, ये पूरे एक्सरसाइज की वर्कशीट्स हम सेंड करेंगे। कविता जब शुरू करेंगे तो ये पिक्चर ड्रॉ करके ऊपर आपको लिखना है सुंदर जग। सुंदर जग लिखने के बाद बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में, क्योंकि जब आपकी हम कॉपी चेक करें तो हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप कविता लिख लोगे तो एक बार अपने पेरेंट्स से चेक करवा दीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कभी जल्दीबाजी में आप लोग लिखते हो,
तो मिस्टेक भी कर देते हो, और हार्ड वर्ड्स आपको करने ही हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो वर्कशीट सेंड की जाएगी आपके व्हाट्सएप लिंक पे, तो आप उससे आप वो भी कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, ओके बाय, टेक केयर।